फ्रेंड, मैं बिग बॉस से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस में वीकेंड के बाद पर जब सलमान सर थोड़ा ब्रेक ले लेंगे तब शमिता शेंटी एंड राखी सावंत एक दूसरे से बात करते हुए नजर आएंगी। तभी उनकी बातों बातों में लड़ाई बढ़ जाएगी जिसको देखकर शमिता शेंटी बहुत गुस्सा करते हुए नजर आएंगी और वो बहुत ज़्यादा रो रही होगी और घर वालों को कह रही होगी कि हर बार वीकेंड के बार पर मुझे ही टारगेट क्यों किया जाता है और मुझे ही हमेशा रुलाना क्या सही है। अगर मैं इतनी ही गलत हूँ, मेरा इतना ही गलत गेम है तो मुझे जनता बाहर निकाल देगी। अगर आपको बिग बॉस को मेरी गेम नहीं पसंद आ रही तो बिग बॉस मुझे बाहर निकाल दो, लेकिन मुझे ऐसे टॉर्चर मत करो, हर बार मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम है। और बाद में वो बाथरूम एरिया में जाकर रोने लग जाएगी जिसको देखकर करण कुंद्रा उनको चुप कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर अचानक तेजा आ जाएगी और तेजा करण कुंद्रा और शमिता शेंटी को ऐसे देखकर बहुत गुस्सा और बहुत ही बुरा रिएक्ट करेगी और वहाँ से चली जाएगी। और तभी करण कुंद्रा तेजा के पीछे जाएंगे लेकिन तेजा उनके साथ बात नहीं करेगी और कहेगी कि तुम अपना वहाँ पर ही जाओ, वहाँ पर ही अपनी बातें कंटिन्यू करो और तुम्हें मेरी तो पड़ी नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए नज़र आएगी जिसके कारण करण कुंद्रा भी काफ़ी इरीटेट हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं हर बार ये बातें नहीं सह सकता, मैं हर बात के उसको मनाता हूँ और उसकी गलतियों को माफ़ करता हूँ, लेकिन इस बार मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़कने वाला हूँ, मुझे इस बातों से बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं तो बाथरूम में था जब शमिता वहाँ पर रो रही थी, अचानक बाहर निकला तो शमिता को रोते हुए देखकर मैं उसको चुप कराने लग गया, लेकिन तेजा तो इसका गलत मतलब निकाल रही है। और तेजा कहीं ना कहीं तेजा को भी शमिता और करण की जी क्लोज आ रही बॉन्डिंग, उनकी दोस्ती अच्छी नहीं लग रही है और इस बात से वो बहुत बुरा रिएक्ट कर रही है। आपका क्या व्यू है प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और ऐसी अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।